दोस्तों, हमारे भारत देश में एक से बढ़कर एक कई मंदिर मौजूद हैं, जो कि अपने भीतर अनेकों रहस्य समेटे हुए हैं। लेकिन आज हम जिस मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं, वहां होने वाली घटना लोगों के लिए एक हैरानी का मुद्दा बनी हुई है। आप में से कई लोगों को इस बात की जानकारी तो होगी कि जब कोई लड़की अपने मासिक चक्र में होती है तो उसे अपवित्र माना जाता है और इसी वजह से उस लड़की को मंदिर में जाने की इजाजत भी नहीं दी जाती, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर कोई लड़की अपने मासिक चक्र के दौरान मंदिर में प्रवेश करती है तो मंदिर भी अपवित्र हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि हमारे भारत में एक मंदिर ऐसा भी मौजूद है जहाँ कोई लड़की अपने मासिक चक्र के दौरान भी मंदिर में जा सकती है और इससे वो मंदिर कभी अपवित्र नहीं होता, क्योंकि वहां खुद देवी को भी मासिक चक्र आता है। दोस्तों, आखिर ये मंदिर कौन सा है और इस मंदिर से जुड़े हुए रहस्य क्या हैं? अगर आप भी इनके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ जरूर बने रहें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कामाख्या देवी मंदिर के बारे में, जो कि भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि जब माता सती एक बार अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ एक यज्ञ समारोह में गई थी तो उस यज्ञ समारोह में उनके पिता प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करते हुए उन्हें बुरा भला कहा था। अपने पति भगवान शिव के बारे में भला बुरा सुनने के बाद माता सती अपमान सहन नहीं कर सकी और उन्होंने वहीं उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपना देह त्याग कर दिया। माता सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव उनके जले हुए पार्थिव शरीर को उठाकर रोते रोते तांडव करने लगे। भगवान शिव के तांडव से पृथ्वी पर प्रलय की घड़ियां मंडराने लगीं। तब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर आए हुए संकट को टालने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। इसके बाद धरती पर मौजूद जिस जिस जगह पर माता सती के पार्थिव शरीर के अंग गिरे, उन सभी जगहों पर 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई और कामाख्या मंदिर इन्हीं 51 शक्तिपीठों में से एक है। दोस्तों, कथाओं के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि इस जगह पर देवी सती की योनि गिरी थी, जिस वजह से इस मंदिर में योनि की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जब माता सती की योनि यहाँ पर गिरी थी तो वो एक कुंड में परिवर्तित हो गई थी, जो कि आज भी मंदिर में ही विराजमान है। आपको बता दें कि मंदिर में मौजूद इस कुंड को योनि कुंड के नाम से जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। ये मंदिर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इनमें से जो मंदिर का सबसे बड़ा हिस्सा है, उसमें पुजारियों के सिवा और किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होती और मंदिर का जो दूसरा हिस्सा है वहां सभी लोगों को जाने की इजाजत है। और मंदिर के इसी हिस्से में देवी का योनि कुंड भी स्थापित है। ये कुंड हमेशा ही फूलों से ढका हुआ रहता है और वहां से हर वक्त पानी बहता रहता है। इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि साल के 3 दिन कुंड में बहने वाला पानी का रंग लाल हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि साल में 3 दिन माता को मासिक चक्र होने की वजह से पानी का रंग लाल हो जाता है और इस दौरान मंदिर के पास मौजूद ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल हो जाता है। इन 3 दिनों के भीतर यहां नदी में स्नान करना बिल्कुल वर्जित होता है। वैसे दोस्तों, इस मंदिर में देवी को मासिक चक्र आता है, इस बात का अभी तक कोई पौराणिक सबूत देखने को तो नहीं मिला है, लेकिन जो लोग भी इन बातों पर यकीन नहीं करते वो मंदिर में आने के बाद यहाँ का नजारा देखते हुए इस बात पर यकीन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर इस मंदिर के प्रसाद पर गौर फरमाया जाए तो यहाँ बांटे जाने वाला प्रसाद भी अपने आप में काफी ज्यादा अनोखा होता है। जहाँ बाकी मंदिरों में भक्तों को प्रसाद के रूप में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, वहीं इस मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में देवी की योनि कुंड से निकलने वाला पानी दिया जाता है। इसके अलावा मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में एक लाल रंग का कपड़ा भी दिया जाता है, जिसे अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह कपड़ा देवी की रसवला का कपड़ा होता है और ऐसा बताया जाता है कि जब इस मंदिर में देवी अपने मासिक चक्र के दौरान रसवला से होती हैं तो 4 दिन के लिए इस मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और इन 4 दिनों में उनके लिए एक सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है और फिर 4 दिन बाद
जब मंदिर का दरवाजा खोला जाता है तो कपड़ा माता के खून से भीग कर लाल रंग का हो जाता है। फिर बाद में इसी कपड़े को भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है, जिसे भक्त अपने अपने घरों में ले जाकर पूजा के स्थान पर रखते हैं। दोस्तों, इस कपड़े के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त इस कपड़े को अपने घर में ले जाते हैं, देवी कामाख्या उनके सारे कष्ट दूर कर देती हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, इस मंदिर को तंत्र विद्या के लिए भी काफी माना जाता है। इस मंदिर के आसपास ऐसे कई तांत्रिक पाए जाते हैं जिनकी तंत्र विद्या बेहद ही कारगर है। यहाँ पर जून के महीने में एक विशाल मेले का आयोजन भी होता है, जिसे अंबुवाची मेले के नाम से जाना जाता है। इस मेले के दौरान ही कई तांत्रिक अपनी कार्य सिद्धि करते हैं और इस मेले के दौरान 4 दिनों के लिए मंदिर के दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये 4 दिन माता के विश्राम का समय होता है। ऐसा माना जाता है कि देवी पारंपरिक रिवाजों के अनुसार अपने मासिक चक्र के दौरान 4 दिनों तक विश्राम करती हैं। इन दिनों के भीतर जब देवी का मासिक चक्र चलता है तो सभी लोग अपने धार्मिक कामों को स्थगित कर देते हैं। सभी लोग जैसे किसान खुदाई जुताई और फसलों की बुआई आदि सारे काम बंद कर देते हैं। विद्वान ब्रह्मचारी और ब्राह्मण इन दिनों पके हुए खाने का सख्त परहेज करते हैं और उसे छूते तक नहीं है। इन दिनों सभी ब्राह्मण धार्मिक पुस्तकों को जरूर पढ़ते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे मंदिर में कहीं भी देवी की एक प्रतिमा भी स्थापित नहीं है। इस मंदिर में सिर्फ एक विभाजित हुई चट्टान स्थापित है जो कि देवी की योनि को दर्शाती है। यहाँ एक प्राकृतिक झरना भी मौजूद है, जिस वजह से मंदिर का यह भाग हमेशा ही गीला रहता है। आपको बता दें कि झरने से बहने वाले इस पानी को काफी ज्यादा प्रभावी और शक्तिशाली माना जाता है। इस जल का रोज सेवन करने से कोई भी रोगी अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी से निजात पा सकता है। दोस्तों, इस मंदिर में एक पारंपरिक रिवाज सदियों से चला आ रहा है, जिसके मुताबिक यहां पर तंत्र साधना के लिए पशुओं की बलि दी जाती है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि बलि के लिए मादा जानवर को इस्तेमाल नहीं किया जाता। पशुओं की बलि देने की सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि इस मंदिर को तंत्र साधना के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यहाँ तांत्रिक और साधुओं का हमेशा तांता लगा रहता है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि अगर किसी इंसान पर काला जादू किया गया है तो वो इस मंदिर में आकर काले जादू से मुक्त हो सकता है, क्योंकि कामाख्या मंदिर में मौजूद तांत्रिक और साधु तंत्र साधना में बेहद माहिर होते हैं और कई लोग अपने विवाह और संतान सुख के लिए भी कामाख्या मंदिर के दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि कामाख्या मंदिर के भीतर ही और भी कई मंदिर मौजूद हैं और जब तक भक्त उन मंदिरों के दर्शन नहीं करते तब तक माँ कामाख्या देवी की यात्रा सफल नहीं मानी जाती। यहाँ पास में उमानंद भैरव बाबा का मंदिर भी मौजूद है और जो भी भक्त कामाख्या मंदिर के दर्शन करने आते हैं वो इसके बाद भैरव बाबा के दर्शन जरूर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भैरव बाबा के दर्शन करने से किसी भी इंसान की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। कामाख्या मंदिर के उत्तर दिशा के पास ही सौभाग्य कुंड नाम का एक तालाब भी मौजूद है। कहा जाता है कि मंदिर में दर्शन करने के साथ साथ अगर कोई भक्त इस कुंड में स्नान करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। तालाब के पास ही श्री गणेश जी का भी एक मंदिर मौजूद है और जब भक्त इस कुंड में स्नान कर लेते हैं तो उसके बाद भक्तगण श्री गणेश जी के मंदिर के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर के उत्तर दिशा में 10 भुजाकार भगवान शिव का भी एक मंदिर मौजूद है और दक्षिण दिशा में कामेश्वरी देवी का मंदिर मौजूद है। यहाँ आने के बाद श्रद्धालु पहले कामेश्वरी देवी और फिर कामेश्वर शिव के दर्शन करते हैं। दोस्तों, यहाँ से 10 सीढ़ी नीचे एक गुफा मौजूद है। इस गुफा को देवी का योग निद्रा स्थान कहा जाता है। यहाँ हमेशा ही एक अखंड ज्योति जलती रहती है। दोस्तों, अगर इस मंदिर के पूजा के समय की बात करें तो आपको बता दें कि पुजारी रोज सुबह 5 बजे उठकर माता कामाख्या को स्नान कराते हैं और स्नान कराने के बाद रोज 6 बजे देवी की पूजा की जाती है और 8 बजते ही भक्तों के लिए मंदिर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। लेकिन दोपहर के 1 बजे मंदिर के दरवाजे वापस बंद कर दिए जाते हैं। फिर माता को भोग चढ़ाया जाता है, उसके बाद वो प्रसाद सभी श्रद्धालुओं में बांटा जाता है। फिर 2:30 बजते ही मंदिर के द्वार वापस खोल दिए जाते हैं। इसके बाद जब शाम के 7:30 बजते हैं तो माता की आरती शुरू हो जाती है और फिर
आरती के बाद मंदिर के कपाट वापस बंद कर दिए जाते हैं। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो को देखने से पहले क्या आपको कामाख्या देवी मंदिर के इन रहस्यों के बारे में जानकारी थी या नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।